फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मार्केट में न्यू लैपटॉप परचेज करने जाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो लैपटॉप ओरिजिनल है या रिफर्बिश्ड है। अब रिफर्बिश्ड का मतलब ये है कि वो लैपटॉप जो है पहले वो डैमेज हो चुका है और उसको रिपेयर करके आपको दोबारा सेल किया जा रहा है, ये रिफर्बिश्ड का मतलब है। तो चले, आपने अपने लैपटॉप से सिंपली विंडो प्लस आर की प्रेस कर लेनी है, विंडो प्लस आर, और आपके सामने रन का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सो आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है MS Info 32, MS Info 32 आपने लिख लेना और प्रेस ओके करना है। अब आपके सामने ये सिस्टम समरी आ चुकी है। अब यहाँ से आप अपना OS नेम, वर्जन, OS मैन्युफैक्चरर, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये देखनी है, सिस्टम SKU। तो अब आप देख सकते हैं इस पे सिंपल नंबर लिखा हुआ है 0651। इसका मतलब है कि ये लैपटॉप जो है मेरा ओरिजिनल है, ये रिफर्बिश नहीं है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि रिफर्बिश लैपटॉप कौन सा है? चले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ। सो इस पे अब आप देख सकते हैं सिस्टम SKU। अब आपने यहाँ पे मेन फोकस करना है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है XX123X#ABA। तो आपने देखना कि हैच से पहले आर ना आए। अगर हैच से पहले आर आ गया तो इसका मतलब आपका लैपटॉप जो है वो रिफर्बिश्ड है। और अगर हैच से पहले कोई भी अल्फाबेट्स या नंबर्स आ जाते हैं, लाइक ABC123A#, तो इसका मतलब आपका लैपटॉप ओरिजिनल है। लेकिन अगर इसी तरह आपका नंबर आ जाता है ABC123R#, और हैच से पहले अगर आर आ गया तो इसका मतलब आपका लैपटॉप रिफर्बिश्ड है। और कुछ सिस्टम में हैश का सिंबल नहीं होता, तो और इसमें भी अगर सिंपल नंबर अगर आ जाता है ABC123 या अल्फा न्यूमेरिक कोई भी नंबर सिंपल हैश के बगैर भी, तो आपका लैपटॉप जो है रिफर्बिश नहीं है। अगर हैश से पहले आर आ गया तो इसका मतलब आपका लैपटॉप रिफर्बिश्ड है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप टॉपिक नेम कमेंट्स में जो है लिख के बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।